हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। दोस्तों, वारी रिन्यूएबल में अभी के टाइम हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी के कल ईयर ऑन ईयर के जो रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस था वो अच्छा था, बट क्यू एंड क्यू यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें बेटर देखने को नहीं मिला। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था कि मार्केट वारी के रिजल्ट्स को ईयर ऑन ईयर वाइज नहीं जज करता है। अभी के टाइम जो है मार्केट जो है ओनली फॉर वारी रिन्यूएबल के जो रिजल्ट्स है वो क्यू एंड क्यू ही देखता है। क्योंकि दोस्तों, क्यू एंड क्यू क्यों देखता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के यू बी क्यूशंस होते हैं कि बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उनके रिजल्ट्स तो मार्केट ईयर ऑन ईयर देखता है, बट वारी के क्यू एंड क्यू क्यों देखता है। तो रीज़न दोस्तों ये है कि वारी के रिजल्ट्स जो है रिसेंटली हमने क्या देखा था कि जो अभी जो दो रिजल्ट्स आए हैं उससे पहले के जितने भी रिजल्ट्स हैं, 4 से 5 रिजल्ट्स, उनमें हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। मतलब वारी में ऐसा हुआ, जैसे अगर आप स्टॉक का प्राइस देखेंगे ना 1 ईयर में, ये जो हमें मूवमेंट देखने को मिला इसके पीछे रीज़न क्या था। इसके पीछे रीज़न सिंपल था कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि कंपनी ने यहाँ पे मान लो कोई रिजल्ट्स आया होगा कंपनी का, तो यहाँ पे कंपनी ने मान लो अगर 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, तो अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ का हो गया। उसके अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी का रेवेन्यू 200 करोड़ का हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को एक्सपेक्टेशन, मार्केट को एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ पे और भी रेवेन्यू ग्रो होगा, तो रेवेन्यू ग्रो हुआ 250। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट जो यहाँ से 3-4 रिजल्ट जो थे ना, वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू डबल होना शुरू हो गया। और जब रेवेन्यू कंटिन्यू हर क्वार्टर डबल हो रहा था, जैसे कि 1 करोड़, अगले क्वार्टर 2 करोड़, अगले क्वार्टर 4 करोड़, फिर अगले क्वार्टर 8 करोड़, फिर मार्केट एक्सपेक्टेशन लगाने लग गया कि अगले क्वार्टर 16 करोड़ आएगा। और फिर उस 16 करोड़ के चक्कर में जो है स्टॉक में एक बहुत ही शानदार हमें जंप दिखा, ठीक है। अब 16 करोड़ आया नहीं और रेवेन्यू ड्रॉप हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल गया। एंड अभी जो यहाँ पे सेल ऑफ क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मार्केट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेक्टेशन कर रहा था, क्योंकि वारी ने रिजल्ट्स जो है लास्ट टाइम जितने भी दिए थे क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू डबल हो रहा था, प्रॉफिट डबल हो रहा था, बट अभी वो ग्रोथ रुक चुकी है। इस वजह से स्टॉक का जो प्राइस है वो भी अभी के टाइम रुक चुका है। तो वारी में अभी के टाइम, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक कंसोलिडेशन जोन में जो स्टॉक है वो जा सकता है। फाइनेंशियली कैसे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल रखा था कि अभी के टाइम में जो स्टॉक का जो पीरियड है वो कंसोलिडेशन का टाइम है। 1 से 2 अपर सर्किट में आपको यहाँ पर फोमो में आके कोई भी एंट्री नहीं बनानी है, फोमो में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे मार्केट में यही होता है, जैसे ही स्टॉक कोई 2% 3% जैसे ही भागना शुरू होता है, स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर बस यही सोच लेते कि यही मौका है, अगर ये मौका चूक गए तो फिर यहाँ पे कभी मौका मिलेगा ही नहीं। बट वो ये थोड़ा शांति से नहीं डिसीजन लेते कि थोड़ा सा रुकते, हो सकता है ये ट्रैप भी हो सकता है, यहाँ पे तेज़ी दिखा के बड़े प्लेयर्स रिटेलर को फंसाना भी चाहते हो। तो यही चीज़ें हमें देखने को मिली है। कल रिजल्ट से पहले ओवरऑल 5% का अपर सर्किट था, एंड अगेन रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर कंपनी में लोअर सर्किट देखने को मिल गया। वारी जब आपका 3000 के लेवल्स पे हुआ करता था, वहाँ पे भी मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि क्वार्टर वन रिजल्ट से पहले यहाँ पर जो है क्वार्टर फोर रिजल्ट से पहले आप जो है ऑलमोस्ट अपने प्रॉफिट को बुक करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रिजल्ट्स ओवरऑल नेगेटिव आने के चांसेस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वही हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट नेगेटिव आए एंड स्टॉक गिरा। तो अब यहाँ पे आगे क्या व्यू बनेगा, क्या ये स्टॉक 1000 रुपीज़ के लेवल्स की तरफ जाएगा, वो भी जानेंगे। सबसे पहले नॉर्मली आज का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वारी में मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि स्टॉक आपका ASM लिस्ट 4th में है, बट यहाँ पे स्टॉक डील कर रहा है आपका अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट में। और जब स्टॉक अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट में डील करता है तो ऐसे में ASM लिस्ट 4 से निकलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जब तक ये स्टॉक 2 से 3 महीने में एक रेंज पे ट्रेड नहीं कर लेता तब तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट ASM 4 में रहेगा। और जब तक ASM 4 में रहेगा दोस्तों, तब तक यहाँ पर क्या स्टॉक में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए स्टॉक को सबसे पहले क्या है कि एक रेंज पे कारोबार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अभी के टाइम। अभी के टाइम अगर मैं सेल ऑफ क्वांटिटी देखूं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट टोटल जो क्वांटिटी है वो 400,000 क्वांटिटी हमें सेलिंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जो कि ओवरऑल वारी रिन्यूएबल के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है। एवरेज क्वांटिटी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कंपनी है फ्यूचर के हिसाब से नॉर्मली अच्छी है, सोलर पैनल यहाँ पे बनाती है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी की है, अच्छी खासी ग्रोथ है। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एंड विंड एनर्जी को, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से है, इसी वजह से यहाँ पर उनके लिए ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। जो लोग लॉन्ग टर्म है उनके लिए रखती है, बट मैक्सिमम लोग 5 से 10% के लिए आए थे, बट उनको अभी भारी नुकसान जो है इस स्टॉक में हो रहा है। तो अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ, मार्केट कैप कंपनी का 17,000 करोड़ का हो चुका है। कंपनी का PE रेशियो
देखेंगे तो अभी भी स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट हमें नज़र आ रहा है। रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे कंपनी का पीई देखेंगे तो 105 का है, बट इंडस्ट्री का पीई जो है वो यहाँ पे 44 का हमें देखने को मिल रहा है। मतलब सेक्टर का जो पीई है वो यहाँ पे सेक्टर का पीई से कंपनी का पी डबल हमें देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो इसी वजह से स्टॉक्स में जो है कि अभी के टाइम सेलिंग प्रेशर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। आरओई यहाँ पे कंपनी की बेटर है, बट ये लॉन्ग टर्म में काम करेगा, शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें काम नहीं करेगी। शॉर्ट टर्म में ओनली फॉर जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे काम करेंगे एंड रिजल्ट्स का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल ही रहा है। कंपनी में अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मार्केट कैप है कंटिन्यू कम हो रहा है, छठे स्थान पर कंपनी आ चुकी है। एक समय में ये भी था कि कंपनी तीसरे स्थान पर हमें देखने को मिल चुकी थी, बट धीरे धीरे करके मार्केट कैप कम हो रहा है एंड इसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे करके गिर रही है। अब अगर आप देखेंगे तो इस सेगमेंट में हमें देखने को मिल रहा है लार्सन एंड ट्रूबो का जो पी रेशियो है वो 39 है, टेक्नो इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग का 72 है, इसका 51 है, इसका 38 है, बस इसका 100 है। इसी वजह से यहाँ पर जो है पी रेशियो के हिसाब से अभी के टाइम जो स्टॉक है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अभी के टाइम यहाँ पर मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है दोस्तों, वारी में जो ग्रोथ थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू रेवेन्यू डबल पे डबल होते जा रहे थे। जैसे 60 करोड़ था, 60 से 129 हुआ, डबल हो गया, फिर यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखी, 150 करोड़ हुआ, 150 से डायरेक्टली हो गया आपका डबल। फिर उस हिसाब से स्टॉक को मार्केट ने वैल्यू दे दी कि अरे ये तो हर क्वार्टर डबल कर रहा है, अगले भी क्वार्टर डबल करेगा, इस वजह से अभी बाई कर लेते हैं। बट अगले क्वार्टर रेवेन्यू डाउन हुआ एंड उससे अगले क्वार्टर रेवेन्यू और डाउन हो गया। देखिए यहाँ पे ये जो क्वार्टर रेवेन्यू डाउन हुआ है ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर रहा है। नेगेटिव पॉइंट ऐसे है कि यहाँ पे चलो डाउन हुआ तो चलो ठीक है, क्योंकि जब इतनी रफ्तार से ग्रो हो रहा है तो एक दो क्वार्टर ऐसा बनता है, चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपनी में यहाँ पे भी रेवेन्यू डाउन हुआ तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। लास्ट दो क्वार्टर से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्यू एंड क्यू गिर रहा है। यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो लास्ट दो क्वार्टर से रेवेन्यू डाउन ही हो रहा है। ईयर ऑन ईयर भले ही बेटर हो बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा परफॉर्मेंस यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे क्वार्टरली वाइज हमें गिरते हुए देखने को मिले हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कंपनी का जो प्रॉफिट है, ईयरली वाइज अच्छा परफॉर्म किया है बट क्वार्टरली वाइज लास्ट दो क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है। 64 करोड़ था, अब वो यहाँ पे 51 हो चुका है और 51 से गिर के 28 हो चुका है। तो मार्जिन डायरेक्टली ड्रॉप हो चुके हैं एंड इसी का इम्पैक्ट जो है वो वारी के ऊपर हमें पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। वारी में मेरा आगे के लिए क्या व्यू है वो अभी के टाइम यहां पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों मेरा सिंपल व्यू है यहां से अभी के टाइम कि इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से तो मैं कोई पोजीशंस क्रिएट करूंगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल मुझे पता है कि जब तक ये एसएम में है मुझे शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ खास मिलेगा नहीं। दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों यहाँ पर टी प्लस टू डेज कैटेगरी में भी है, आज बाई करोगे आज सेल होगा नहीं, दो दिन बाद सेल होगा, और दो दिन बाद में मान लो 10% का डाउन आ गया तो फिर वहाँ पर मुझे नुकसान हो जाएगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से वारी मुझे यहाँ पर सही नहीं लगता है। बाकी अभी के टाइम अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो जो मिड कैप इंडेक्स का RSI है वो भी टॉप पे है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो सकता है। वारी में अभी के टाइम यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे तो EMA ये जो है इस EMA का लेवल भी यहाँ पे टूट चुका है, EMA सपोर्ट जो है वो हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। तो आगे के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म EMA मैं यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ एक बार। तो लॉन्ग टर्म EMA में दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 200 मूविंग एवरेज से अभी भी ऊपर है। मेरा ये मानना है कि स्टॉक कहीं ना कहीं ये जो ब्लू कलर की लाइन है जिसे हम 200 मूविंग एवरेज बोलते हैं इस लाइन के आसपास आएगा, मतलब कि जो स्टॉक है 1440 रुपये तक के लेवल्स जो है वो दिखा सकता है। ऐसा ही नहीं है कि एग्जैक्ट किसी लेवल पे आएगा, हो सकता है 1450 आए, हो सकता है इससे नीचे भी जाए, बट इस रेंज के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो स्टॉक है मेरा ये मानना है कि मूविंग एवरेज पे आएगा, मूविंग एवरेज पे आके थोड़ा सा रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा। मतलब ओवरऑल अभी के टाइम में जो स्टॉक है वो अभी 1600 रुपये के लेवल से लेके आपके 1300 रुपये एंड 1200 रुपये के लेवल्स के बीच में हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। एंड जब ये 1200 के लेवल्स पे आएगा तो इसका जो पी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, मतलब 70-80 के आसपास आ जाएगा, जो कि आप इंडस्ट्री के पी के बिल्कुल नज़दीक हमें देखने को मिल जाएगा एंड वहाँ पे आके स्टॉक कंसोलिडेट करना शुरू हो जाएगा। फ्रेश एंट्री तो मैं यहाँ पे बिल्कुल करूँगा नहीं, अगर मैंने हाई पे बाई किया है तो यहाँ पे मैं इसको मतलब ऑलमोस्ट मैंने हाई पे बाई किया ही नहीं है। जिन लोगों ने हाई पे बाई किया है तो उनको बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप आगे के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टॉक को हाई पे ऐड ना करें। बाकी ये जो स्टॉक है वो ऊपर जा सकता है बट उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। रिन्यूएबल में ग्रोथ तो है बट उस हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इस स्टॉक को अगेन 3000 के लेवल्स पे देखने के लिए, क्योंकि अभी की स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। मेरे हिसाब से स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है सेप्टेम्बर मंथ तक।
तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। थैंक यू।